हेलो देयर लवली पीपल एंड वेलकम टू शिफ्टिंग गियर्स। आज के वीडियो में मैं चला रहा हूं दी KTM RC 125। ये सबसे छोटी इन टर्म्स ऑफ इंजन कैपेसिटी KTM की RC मोटरसाइकिल है और इसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है फ्रॉम ₹1.47 लाख एक शोरूम। ये इसका इंट्रोडक्टरी प्राइस टैग है। अब इस बाइक की प्राइमरी राइवल है दी यामाहा YZF R15 वर्जन 3। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसी है ये मोटरसाइकिल चलाने में एंड इफ यू शुड पुट योर मनी एंड ब्रिंग दिस होम। सबसे पहले बात करते हैं पर्पस की, कौन से लोगों ने ये बाइक खरीदनी चाहिए। इफ यू आर समवन हु वांट्स अ स्मॉल कैपेसिटी इंजन बट यू वांट द राइडिंग डायनामिक्स ऑफ अ फुल ऑल आउट स्पोर्ट्स बाइक, दिस फिट्स द बिल। अगर आप कॉलेज जाने के लिए एक कूल मोटरसाइकिल लेने की सोच रहे हो, दिस फिट्स द बिल जस्ट राइट। एंड इफ यू वांट अ मोटरसाइकिल जो आप ज्यादा चलाने नहीं वाले हो बट यू वांट दैट सुपर स्पोर्ट स्टाइलिंग, दिस अगेन इज अ गुड लुकिंग मोटरसाइकिल जस्ट इन केस यू जस्ट वांट टू सिट बैक एंड कीप लुकिंग एट द बाइक दैट यू हैव बॉट। तो अभी चलिए बात करते हैं हाउ मच स्पीड इट कैन अचीव, हाउ गुड इट इज एंड व्हाट आर द टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस ऑफ दिस KTM RC 125। अब इस मोटरसाइकिल के साथ आपको मिलता है एक 124.71 सीसी का सिंगल सिलेंडर फोर वाल्व DOHC लिक्विड कूल फ्यूल इंजेक्टेड मोटर। ये प्रोड्यूस करता है 14.5 PS की पावर एट 9250 RPM एंड 12 Nm का टॉर्क एट 8000 RPM। आपको एक 6 स्पीड गियरबॉक्स मिलता है, स्लिपर क्लच नहीं मिलता है। ट्रेलिस फ्रेम पे ये मोटरसाइकिल बनी हुई है। फ्रंट में आपको एक 120 mm ट्रैवल वाला इन्वर्टेड फोर्क मिलता है विद 43 mm डायमीटर एंड ऑन द रेयर यू गेट अ 10 स्टेप एडजस्टेबल 60 mm ट्रैवल वाला रेयर मोनोशॉक। आगे जो है आपको 300 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है विच इज अ लिटिल स्मॉलर कंपेयर टू द 320 mm डिस्क ऑन दी KTM RC 390, लेकिन RC 200 में भी आपको ये सेम ही मिलता है। एंड ऑन दी रियर ऑफ दी KTM RC 125 आपको मिल रहा है एक 230 mm डायमीटर का डिस्क ब्रेक। आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है ऑन दिस मोटरसाइकिल विच वर्क्स ओनली ऑन द फ्रंट व्हील ऑफ द बाइक। रेयर व्हील पे जब आप देखोगे आपको ये जो सेंसर दिखाई देता है, दिस व्हील स्पीड सेंसर, इट इज फॉर रेयर लिफ्ट प्रोटेक्शन यानी कि RLP। तो होगा ये कि जब आप फ्रंट ब्रेक जो है यू प्रेस इट अ लिटिल हार्डर, बाइक जो है पीछे के व्हील की भी स्पीड सेंस करेगी एंड इट विल नॉट अलाउ द रेयर टू लिफ्ट। तो आप एक आसान स्टॉप पे, आप एक सेफ स्टॉप पे आ सकते हो ऑन दिस मोटरसाइकिल। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ दिस मोटरसाइकिल राइड। सबसे पहले पॉइंट आता है NVH लेवल्स का एंड रिफाइनमेंट। तो चलिए शुरू करके देखते हैं इस मोटरसाइकिल को। व्हेन यू स्टार्ट द बाइक, दिस इज हाउ इट साउंड्स। एंड एट दिस मोमेंट जब आप बाइक शुरू करके आइडल कर रहे हो इसको, तो आपको ज्यादा वाइब्रेशन जो है वो फील नहीं होते हैं। ऑन दी हैंडल बार देर इज अ स्लाइट मूवमेंट बट दैट इज नॉर्मल ऑन एनी मोटरसाइकिल। टैंक पे आपको बहुत कम मूवमेंट्स होती हैं। सो दीज आर टिपिकल ऑफ एनी मोटरसाइकिल। सो द बाइक डज फील गुड। जब आप बाइक को रेव करते हो तभी भी आपको ज्यादा वाइब्रेशंस जो है वो इस मोटरसाइकिल पे नहीं फील होते हैं। सो दिस बाइक रियली रियली इज अ नाइस एंड रिफाइंड प्रोडक्ट एंड ओवरऑल इन द परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट आल्सो इट इज वेरी वेरी गुड। अब पावर की अगर बात करेंगे तो ये जो 14.5 PS का आउटपुट है, इट इज अ लॉट लेसर कंपेयर टू द R15 वर्जन 3 बट इट इज मोर देन सफिशिएंट जब आप इसे सिटी में लेने की सोच रहे हो। The main purpose of this bike is all of those young buyers who are going to ride this bike to their college or maybe just to have some fun. Also, काफी सारे parents ऐसे हैं जो अपने बच्चों को ज्यादा sporty motorcycle, ज्यादा powerful motorcycle देना नहीं चाहते हैं। And for all of those guys, this bike is safe and this bike is still fast enough. अगर top speed की बात करूँ तो आज इस race track पे I could achieve 120 kilometers per hour on this speedometer. अब ट्रू स्पीड जो है वो थोड़ी कम होगी, इसके लिए हमने एक अलग वीडियो अपलोड किया है वेर यू कैन चेक आउट द ट्रू स्पीड व्हेन इट टच 120 किलोमीटर पर आवर। बट अदरवाइज रीचिंग 100 किलोमीटर पर आवर इज ब्रिस्क, लेकिन 100 के ऊपर का जो आपको प्रोग्रेस करना है इस बाइक पे वो थोड़ा स्लो हो जाता है, वो थोड़ा टेपर ऑफ हो जाता है ऑन दी KTM RC 125। सिटी स्पीड्स की अगर बात करेंगे तो ये बाइक काफी आसान है चलाने में। ऑफ कोर्स यू सिट इन अ वेरी एंगेज एंड अग्रेसिव मैनर, तो आप एक स्पोर्टी नेचर वाली बाइक पे बैठे हो ये आपको पूरे टाइम फील होते रहेगा।
बट टू कम्यूट द इंजन इज नाइस, आपको अच्छी गियरिंग मिलती है टू मूव अराउंड सिटी ट्रैफिक। ऑफ कोर्स अगर आप हायर गियर्स में स्पीड कम हो जाती है तो यू हैव टू डाउनशिफ्ट, इसमें आपको स्लिपर क्लच नहीं मिलता है, बट स्टिल द क्लच एक्शन इज नॉट टू हैवी, तो आपको उसमें भी दिक्कत नहीं होने वाली है। द गियर बॉक्स इज ऑल्सो वेरी नाइस एंड स्लिक, तो गियर चेंजेस में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी तो आई वॉज राइडिंग रियली हार्ड ऑन द रेस ट्रैक एंड ऑल्दो देयर वॉज नो स्लिपर क्लच आई डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम ऑफ द रेयर व्हील हॉपिंग और स्लाइडिंग, आई कुड रियली मैनेज दैट वेल। तो जब आप ये बाइक खरीदोगे एंड वंस यू गेट यूज्ड टू दिस मोटरसाइकिल आई डोंट थिंक यू विल रियली मिस द स्लिपर क्लच बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू अचीव दोज हाई स्पीड्स ऑन दिस बाइक एज कम्पेयर टू द KTM RC 390। हीट मैनेजमेंट के बारे में तो आज हम ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं बिकॉज दिस इज क्वाइट अ वियर्ड डे, बारिश भी हो रही थी बीच बीच में, इट इज गेटिंग सनी एज वेल, दैट इज वाई द सनग्लासेस, बट ओवरऑल द बाइक फेल्ट नाइस। हम इसको पूरे टाइम पुश कर रहे थे, स्टिल द इंजन टेम्परेचर वॉज नॉट रियली टू हाई टू मेक यू फील अनकम्फर्टेबल ऑन दिस बाइक। ओवरऑल हीट डिसिपेशन विल बी टिपिकल ऑफ एन RC मोटरसाइकिल फ्रॉम द KTM सीरीज। तो आप सिटी स्पीड्स में अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चला रहे हो थोड़ी हीट आप यहाँ पे अराउंड योर लेग्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट दैट इज प्रीटी मच स्टैंडर्ड ऑन ऑल दीज बाइक्स इन दिस सेगमेंट। लेकिन द कूलेस्ट थिंग अबाउट KTM RC 390 इज हाउ मच फन यू कैन हैव ऑन दिस मोटरसाइकिल। जब आप इस बाइक के साथ कॉर्नर करना चाहते हो, जब आप इस बाइक को फास्ट चलाना चाहते हो, दिस इज वेरी क्विक, इट इज वेरी क्विक टू टर्न, इट इज वेरी क्विक टू चेंज डायरेक्शंस, तो आपको काफी मजे आने वाले हैं इसको अपने वीकेंड राइड्स पे चलाने को या इवन डेली फास्ट चलाने के लिए। वी डोंट रियली रेकमेंड हाई स्पीड्स बट स्टिल एवरी टाइम यू गेट अ चांस टू वैक दैट थ्रॉटल यू विल बी अ हैप्पी राइडर ऑन द KTM RC 125। टायर जो है वो ब्रिलियंट है, हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई ऑन अ क्वाइट wet track here at the Bajaj KTM test track in Pune at Chakan. These tires offered phenomenal grip and these are MRF compounds and they are good enough for the performance and the power that this bike can put down to the ground. Braking performance from the single channel ABS is also good. The rear wheel gets RLP jaise ki maine aapko pehle wale videos mein bataya hai. So overall the braking hardware is decent to put the anchors down. इसमें आपको 300mm का फ्रंट डिस्क मिलता है, द KTM RC 390 gets 320mm, but this brake also offers good stopping power, good bite, and you will be happy and safe on this bike. आपको ज़्यादा डर नहीं लगेगा। Just in case कभी-कभी अगर आपने overshoot कर दिया आपके braking point को, it can still manage quite well. मेरे high speed वाले वीडियो में आप देख सकते हो, I actually went to the runoff area and still I was not scared at all because the bike could stay calm and composed and come to a safe halt. So overall this KTM RC 125 looks sharp, edgy and is surely aerodynamic. इस बाइक को जब आप चलाओगे you are going to get noticed for sure because just look at it, it is fantastic. I'm sure आपको लग रहा होगा that I'm praising the bike a bit too much, but when you look at it closely this color is surely going to grow on you. अब ज्यादा negatives तो नहीं है इस बाइक में, one negative can be the pricing, but then equipment comes at a cost. आपको USA forks मिल रहे हैं, you get a nice aluminium swing arm, you get good tires, and you get top equipment like a full loaded instrument cluster, LED tail lamp, projector headlamps, LED DRLs, LED turn indicators. So all of that surely does come at a cost. तो कमेंट्स में बताइए क्या लगता है आपको अबाउट द KTM RC 125, क्या आप ये बाइक खरीदना चाहोगे फॉर योर डेली कम्यूट्स, फॉर योर कॉलेज कम्यूट्स और फॉर योर वीकेंड राइड्स। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट रियली टू पावर पैक, 125cc के इंजन है, 100 किलोमीटर्स के ऊपर ये थोड़ी स्लो हो जाती है इन गेनिंग मोमेंटम, इन गेनिंग प्रोग्रेस, बट इट कैन मैनेज अप टू 120 किलोमीटर पर आवर। और सिटी में चलाने के लिए इसकी गियरिंग जो है वो बुरी बिल्कुल भी नहीं है, आप आसानी से इस पर कम्यूट कर पाओगे, ऑफ कोर्स विद अ फ्यू गियर चेंजेस, अ फ्यू डाउनशिफ्ट्स। So let me know if you like this KTM RC 125, and if you have liked this video do remember to like, comment, share and give us a thumbs up on the Shifting Gears channel. Also press that bell icon so the next time we upload a video you get a notification. This is me Parish Malonkar signing off with the new KTM RC 125. Do remember the price tag is 147,000 ex showroom right now for this bike, which might go up because the pricing is at the moment introductory. Goodbye, ride safe and I will see you soon.